नमस्कार, जमशेदपुर पश्चिमी से दो प्रमुख उम्मीदवार सरयू राय तथा बन्ना गुप्ता, जो पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा के केंद्र बने हुए थे, इस चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ खड़े नज़र आने वाले हैं। झारखंड में वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा सीट से कांग्रेस के बन्ना गुप्ता ने भाजपा के देवेंद्र सिंह को हराकर जीत दर्ज की थी। वहीं पिछले चुनाव में इन मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक सरयू राय ने टिकट नहीं मिलने पर बड़ा फैसला लेते हुए जमशेदपुर पश्चिमी सीट की जगह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जमशेदपुर पूर्वी सीट से तत्कालीन सीएम रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़ा था। सरयू राय ने टिकट काटने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुवर दास को जिम्मेदार माना था। वहीं सरयू राय का टिकट कटने से पूरे कोल्हान समेत अन्य क्षेत्रों में भी बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार जमशेदपुर पश्चिमी सीट के लिए पहले चरण में 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में जमशेदपुर पूर्वी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरकर सरयू राय ने तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को जहां पराजित कर सभी को चौंका दिया था, इससे पहले सरयू राय ने वर्ष 2014 विधानसभा चुनाव में जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी और 5 वर्षों तक रघुवर दास सरकार में मंत्री भी रहे थे। हमेशा से चर्चा में रहे सरयू राय ने वर्ष 1994 में सबसे पहले पशुपालन घोटाले का भंडाफोड़ किया था। बाद में इस मामले की सीबीआई जांच हुई। सरयू राय ने घोटाले के दोषियों को सजा दिलाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़ी थी, जिसके कारण आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव समेत दर्जनों राजनीतिक नेताओं और अफसरों को जेल जाना पड़ा था। यही वो मामला था जिसने पूरे देश भर को अपनी ओर आकर्षित किया था। यह मामला पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ था। वहीं दूसरी ओर बन्ना गुप्ता भी कई प्रकरणों के लिए चर्चा का केंद्र बनते रहे हैं। सरयू राय ने 1974 में जयप्रकाश नारायण के छात्र आंदोलन से राजनीति और सामाजिक जीवन की शुरुआत की थी। सरयू राय इस आंदोलन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के तौर पर शामिल हुए थे। वो जुलाई 1998 से लेकर जुलाई 2004 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य भी रहे थे। इसके पश्चात वर्ष 2005 में जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी, लेकिन वर्ष 2009 के चुनाव में वे चुनाव हार गए थे। फिर वर्ष 2014 में जमशेदपुर पश्चिमी सीट से वे विजयी हुए थे। इस वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले सरयू राय ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। सरयू राय का नीतीश कुमार का छात्र जीवन से ही साथ रहा है। बताया जाता है कि दोनों एक ही हॉस्टल में रहा करते थे। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की ओर से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को जमशेदपुर पश्चिमी सीट से एक बार फिर से चुनाव लड़ना तय है। हालांकि बन्ना गुप्ता के अलावा भी जमशेदपुर पश्चिमी सीट के लिए कांग्रेस के कई नेताओं की ओर से दावेदारी पेश की गई थी। जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा से स्वर्णरेखा नदी होकर बहती है। एक ओर मानगो का बहुत बड़ा इलाका है, जबकि दूसरी ओर सोनारी, कदमा और बिष्टुपुर का इलाका आता है। कदमा, सोनारी और बिष्टुपुर क्षेत्र टाटा स्टील के कमांड एरिया के अंदर आते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी विद्युत वरण महतो को बढ़त मिली थी, जबकि जेएमएम प्रत्याशी समीर मोहंती इस क्षेत्र से काफ़ी अंतर से पिछड़ गए थे। जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा में मतदाताओं की संख्या लगभग 381,493 है, जो सूचीबद्ध है, जिनमें पुरुषों की संख्या 194,801 है और महिलाओं की संख्या 186,664 है। इसके अलावा थर्ड जेंडर की संख्या 28 है। इस विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्रों की संख्या 330 है। जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा सीट 1967 में अस्तित्व में आया था। इससे पहले यह जमशेदपुर विधानसभा सीट के अंतर्गत आता था। जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा सीट से अब तक 5 बार भाजपा, 4 बार कांग्रेस को जीत मिली है। इसके अलावा 2 बार CPI और 1 बार जनता पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को जीत मिली है। इस सीट से मृगेंद्र प्रताप सिंह ने 3 बार बीजेपी टिकट पर जीत हासिल की है, जबकि सरयू राय को भी 2 बार जीत मिली है। वहीं कांग्रेस के बन्ना गुप्ता ने भी 2 बार जीत हासिल की है। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के एक अधिकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए राज्य भर में कुल 685 उम्मीदवार मैदान में हैं, जहां जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 28 उम्मीदवार हैं।
जबकि जगन्नाथपुर में सबसे कम 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। वर्ष 2019 में इन 43 सीटों पर कुल 633 उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा था। जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में मानगांव में सड़क जाम सड़क का मुख्य मुद्दा है, जबकि बन्ना गुप्ता ने हाल ही में अपने विधानसभा क्षेत्र में मानगांव के लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए एक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू करवाया है। इसके अलावा डिमना में MGM मेडिकल कॉलेज के बगल में एक नया अस्पताल भवन निर्माण किया गया है। बन्ना गुप्ता ने सोनारी से स्वर्णरेखा नदी की ओर जाने वाले रास्ते पर एक विशाल द्वार भी बनवाया है। मंत्री बन्ना गुप्ता के अनुसार उन्होंने अपने क्षेत्र में कई ऐसे कार्य किए हैं जिससे लोगों की बरसों पुरानी मांग थी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि राज्य के दो दिग्गज नेताओं में आखिरकार जीत किसकी होती है। आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा, अपने विचार तथा सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर साझा करें। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।